Hello and welcome to Amjad Academy. I am here to present physics, 11th physics, and on this channel now we are going to start a new chapter. एक नए chapter का आगाज करेंगे और उस chapter का नाम है Mathematical Methods, Chapter 2, 11th physics of Maharashtra State Board, and in that the name of the chapter is Mathematical Methods. ये बहुत ही अहम तरीन चैप्टर है जहाँ तक फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ताल्लुक़ है. साइंस को जोड़ा जाता है मैथ्स के साथ और मैथ्स को कहते हैं साइंस की लैंग्वेज. साइंस जो एक्सप्रेस किया जाता है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है इसका अपना एक तरीक़ा है, इसके अपने सिंबल्स है, इसके अपने नोटेशंस है, इसके अपने ऑपरेशंस है, इसके अपने रूल्स है, और ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है. हम फिज़िक्स में इसके टूल्स का, इसके ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं और उससे हमको बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको मैं सीधे सीधे दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा. एक वो हिस्सा जहां पर हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्केलर्स और वेक्टर्स ये फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमको मालूम है, हम स्कूल लेवल से ये पढ़ते आ रहे हैं. तकरीबन 8 स्टैंडर्ड से हम स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये एक बड़ा पार्ट है जिसमें हम पूरे वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और स्केलर्स के बारे में पढ़ेंगे. और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, और उन मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन. तो चैप्टर हम शुरू करते हैं, चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो जैसा मैंने कहा कि चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. आपको याद होगा जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था और मेजरमेंट के हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन देखे थे. तो मेजरमेंट के नज़रिए से फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़. हमने इनका इस तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा था. अब हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के ताल्लुक से है. तो फिजिकल क्वांटिटीज देखे जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ स्केलर्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वेक्टर्स. स्केलर्स और वेक्टर्स. एक थर्ड एक कैटेगरी ली जाती है वो है टेंसर्स. तो वो टेंसर्स क्या होते हैं, ये इन दोनों से वो कैसे अलग है, दैट वी विल लर्न लिटिल लेटर ऑन. लेकिन इस लेवल पर, इस हद तक हम जो है हमारी ज़रूरत के मुताबिक इंट्रोडक्शन में हम इन दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज से रूबरू रहेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स. आपने स्केलर्स को डिफाइन किया हुआ है, आपने वेक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है. तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है इन दोनों में प्रॉब्लम, क्या क्या डिस्क्रिप्शन के ताल्लुक से क्या फर्क है. मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर एक आदमी चल रहा है और मान लीजिए ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है. इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट. और ये शख्स चलता है मेरे राइट हैंड, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड की तरफ चलता है, चलने लगता है और यहां तक आ जाता है. मान लीजिए यहां तक आ गया वही शख्स, वही पर्सन. तो मैं इनिशियल जो पॉइंट है उस पॉइंट को नाम दे देता हूं पॉइंट ए फॉर एग्जांपल, और मैंने उसको यहां पर लेकर आया पॉइंट बी पर लेकर आया है. तो ये जो पर्सन है
ए से बी पर गया, ए से बी पर गया। ऑफ कोर्स उसको टाइम भी लगा होगा चलने के लिए, और भी बहुत बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे इस छोटे से एग्जाम्पल में। अब जो जहां पर वो आ गया, अब रुक गया, तो अब मैं इसको बोलूंगा फाइनल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट है। अब यहां से वो सपोज कहीं नहीं जाने वाला है। अब देखिए, यहां ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, इस रास्ते गया, इस रास्ते गया। तो अगर मैं ये कहूं कि ये पर्सन ने लेंथ ए बी इतना डिस्टेंस कवर किया, ये लेंथ ए बी डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर है, तो ठीक है, जानकारी पूरी हो गई। इस पर्सन ने ए से बी पर गया, ए से बी पर गया, और उस दौरान उसने जो लेंथ कवर किया, ये जो लेंथ कवर किया, ये लेंथ उसने 50 मीटर की कवर किया। दिस मच डिस्क्रिप्शन इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने किया, इस डिस्क्रिप्शन में ये लेंथ आई है, लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। So I can say that this man has traveled a distance of 50 meter. Now, if I say that this person starting from this initial point away again covers 50 meter, but now in the say downward direction, here in this direction, suppose here. Now, it comes here to say another point, say B dash. And still I say that length AB dash is equal to 50 meter. So this is distance. So still the description is complete. But the problem arises. After covering this 50 meter and after covering this 50 meter, is he on the same points? Is that person on the same points? इस सिचुएशन में वो B पॉइंट पर आया और सेम 50 मीटर डिस्टेंस। अब उसने यहां पर 50 मीटर डिस्टेंस ऐसे कवर किया, आप देख रहे हैं ऐसे, और वो B डैश पे आया। जाहिर सी बात है B और B डैश सेम पॉइंट्स नहीं है, तो यहां पर अब प्रॉब्लम है। ये जो डिस्क्रिप्शन है डिस्टेंस की हद तक, इट वॉज ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो बी और बी डैश पॉइंट पर आएगा। जहां कहीं भी वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे चले जाएगा तो वो बी या बी डैश पे आ जाएगा। हो सकता है वो उसके लेफ्ट में जाए, मेरे लेफ्ट में जाए, मेरे अप जाए, मेरे डाउन जाए, तो जरूरी नहीं कि वहां पर बी पॉइंट ही हासिल करेगा, बी पॉइंट पर ही आएगा। यानी कि उसका फाइनल पॉइंट डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये मेरा फाइनल पॉइंट तय करेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगरचे मैं डिस्टेंस के साथ साथ, अगर मेरे इधर राइट में जा रहा है तो बी पर पहुंच रहा, मतलब ये फाइनल पॉइंट, और अगर नीचे की तरफ आ रहा तो बी डैश पॉइंट पर आ रहा। ये नीचे, ये दाएं, ये बाएं, ये ऊपर, ये नीचे, ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का मतलब होता है डायरेक्शन। यानी कि अगरचे मैं डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी बोल दूं, तो वहां पर उस क्वांटिटी का नजरिया अलग रहेगा, वो अलग किस्म की क्वांटिटी रहेंगी। तो अगरचे मैं एक क्वांटिटी को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड, ये जो 50 मीटर है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, ये जो 50 मीटर है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 मीटर, दैट इज सफिशियंट, नो प्रॉब्लम। सो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग दिस डिस्टेंस क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड अलोन।
विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड अलोन, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कर पा रहा हूं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डिस्क्रिप्शन मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कर सकता हूं तो उनको कहते हैं स्केलर्स। लेकिन जब मैंने बोला कि वो ए से बी पर गया, अगर मैंने बोला कि मेरे राइट पे, फिर इधर डाउनवर्ड, तो नए पॉइंट पर पहुंच गया, नई पोजीशन पर पहुंच गया, तो सिर्फ डिस्टेंस बोलकर काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा डायरेक्शन। यानी कि दो चीजें लगेंगी, मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी लगेगा। तो ए बी ये एक डिस्टेंस है, ए बी डैश ये एक दूसरा डिस्टेंस है, इन दोनों में वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन फर्क डिस्टेंस डायरेक्शन का है। तो अब एक नई क्वांटिटी पैदा होती है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसमें मतलब मुझे मैग्नीट्यूड बोलना पड़ता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बोलना पड़ता है। ये मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब अगर मैं ये बोलूं 50 मीटर डिस्टेंस टू द राइट या फिर ए बी डैश डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, यानी कि आप देखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ ये दोनों चीजें डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे, डायरेक्शन। तो डिस्टेंस के साथ अगर हमने डायरेक्शन जोड़ दिया तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में का डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में का डिस्टेंस, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब जुड़ जाए, जिसमें हम क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के जरिए डिस्क्रिप्शन करें, तो उससे एक नई क्वांटिटी बनती है, उसको कहते हैं वेक्टर्स। ये कैटेगरी है। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के हो गए, स्केलर्स और वेक्टर्स। जहां पर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप थोड़ी ना पूछेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है तो कौन से डायरेक्शन में है, राइट में, लेफ्ट में, अप साइड, डाउन साइड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि टेम्परेचर ही एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने बोला कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इज 50 मीटर, यानी कि यह किस्म का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी हो गई, वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के हुए, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स, तो स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। रिक्वायर्स, यहां पर मैं इसको कॉमन लिख देता हूं, रिक्वायर्स। सो स्केलर रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, वेर एज वेक्टर्स रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द डिस्क्रिप्शन विल बी कंप्लीट। सो स्केलर्स रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटीज which can be described completely by magnitude alone are called as scalars. Physical quantities which require magnitude as well as direction for their complete description are called as vectors. ये हुआ इसका definition. तो scalars का definition, quantity, it is defined as those quantities, या इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, those quantities which require only magnitude for their description,
फॉर देयर डिस्क्रिप्शन. तो इनको कहेंगे स्केलर्स. फिर वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स, वेक्टर्स का डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन. ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, इसके ढेर सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं, डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए. देखिए, अब मान लीजिए कि एक बार और मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बात पर जोर देने की कोशिश करूंगा. मान लीजिए कि एक टेबल रखा हुआ है, एक टेबल है, राइट, टेबल है. अब मैं इस टेबल को यहां समझ लीजिए ए पॉइंट पर रखा हुआ है, और मैंने किसी को बोला कि भाई यहां से इस टेबल को हटाओ, तो क्या फिजिक्स के नजरिए से मेरा इतना बोलना कि ये टेबल यहां से हटाओ, क्या मैं पूरा काम कर सकूंगा? क्या? बिल्कुल नहीं कर सकूंगा. आप समझदार है, आप पूछेंगे इस टेबल को हटाना तो है, तो मैं अप्लाई कर फोर्स अप्लाई कर इसको हटा भी लूंगा. लेकिन आपको यह पूछना पड़ेगा, क्या मैं इसको लेफ्ट में, क्या राइट में? तो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, या फिर बैकवर्ड या फॉरवर्ड. आपको डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, तो तब ये टेबल का डिस्प्लेसमेंट होगा. मैं फोर्स लगाऊंगा, इधर मैं अगर ढकेलता हूं लेफ्ट की तरफ, ये तो राइट है, वैसा राइट है मेरा और ये लेफ्ट है मेरा, तो अगर मैं इधर खींचूंगा तो ये राइट की तरफ जाएगा, उधर खींचूंगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा. मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन जिसने आपको ऑर्डर दिया उसको आपको बोलना पड़ेगा कि आप फोर्स अप्लाई करो, इसको डिस्प्लेस करो फोर्स अप्लाई करके लेफ्ट की डायरेक्शन में या राइट की डायरेक्शन में. तो यानी कि फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी हुई. फिर उसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं आप, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी हुई. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस टेबल का मास 20 केजी है, डू आई नीड डायरेक्शन फॉर दिस मास टू डिस्क्राइब दिस मास? इस टेबल के मास को डिस्क्राइब करने के लिए क्या मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत है? नहीं है जरूरत, नॉट रिक्वायर्ड. तो मास ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया. अगर मैंने कहा कि इस टेबल का वॉल्यूम सपोज मैंने कहा कि 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो क्या आपने डायरेक्शन पूछा कि लेफ्ट में वॉल्यूम इतना है, कि राइट में वॉल्यूम इतना है, कि अप में इतना है, डाउन में इतना है, फॉरवर्ड में इतना है, बैकवर्ड में इतना है? नहीं. तो वॉल्यूम डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड कहलाता, ये 20 केजी मैग्नीट्यूड कहलाता. तो यहां मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है. लेकिन अगर मुझे फोर्स बोलना है, इस टेबल को हलाना है फोर्स अप्लाई करके, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हुए. तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, स्केलर्स और वेक्टर्स. जिन क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उनको स्केलर्स कहते हैं, और जिन क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, तो उनको कहते हैं वेक्टर्स. और आप बहुत सारे क्वांटिटीज जमा कर सकते हैं जिनमें आप बोल सकते हैं कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है. जैसे कि मैंने मेरी चर्चा में जो रखा हूं, तो यहां पर हम स्केलर के एग्जांपल ले सकते हैं और इधर वेक्टर के, इधर स्केलर्स और इधर वेक्टर्स. देखिए, अगर लेंथ है तो उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो लेंथ स्केलर है. वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। उसी तरीके से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप स्पीड लेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस गिन लो, टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। उसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वहां पर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन के भी डायरेक्शन होता है, तो एक्सेलरेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद मास, मास अभी मैंने बोला आपको कि मास, आपने बोल दिया किसी बॉडी का इतना इतना केजी है, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काफी है, तो मास ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से एरिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपने कहा फोर्स, तो फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत होती है, फोर्स पुल पुश ये सब फोर्स के टर्म्स है, तो वहां पर जैसे कुछ जो ग्लास के दरवाजे होते हैं, दरवाजे खोलना और बंद करने के लिए पुल और पुश लिखा हुआ रहता है, पुल यानी अपनी तरफ खींचिए और पुश यानी ढकेलिए, तो पुल पुश में अगर आपने उल्टा कर दिया तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा या बंद नहीं होगा, तो इसलिए वहां पर ये फोर्स की अहमियत आ गई, तो फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर डेंसिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी, तो डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, इस तरह से डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अब यहां पर आपने फोर्स लिया, उसके बाद मोमेंटम, 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 मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वहां वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, तो मोमेंटम को भी डायरेक्शन होता है, इसलिए मोमेंटम जो है तो ये वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड किया जाएगा। इस तरह से आप बहुत ढेर सारे क्वांटिटीज स्केलर्स के बना सकते हैं, ढेर सारे क्वांटिटीज वेक्टर्स के बना सकते हैं। अब इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है स्केलर्स और वेक्टर्स में, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैंने एक तो डिफरेंस बोल दिया, ओनली मैग्नीट्यूड, दे पजेस ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यहां पर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि दे कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सिंपल मैथमेटिकल मैथ्स ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, सिंपल मैथ्स ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, हियर यू रिक्वायर ज्योमेट्रिकल मेथड्स एंड अदर मेथड्स, ज्योमेट्रिकल मेथड्स एंड अदर मेथड्स फॉर डीलिंग विथ, फॉर एनालाइजिंग द वैक्टर्स। लेकिन स्केलर्स के लिए सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन एड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड स्केलर्स, बट नॉट विथ वैक्टर्स, यू नीड ज्योमेट्रिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, बट डिविजन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्टर्स, बट देन ज्योमेट्रिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज अनदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वैक्टर्स, एंड लॉट्स मेनी एग्जाम्पल यू कैन लर्न। सो दिस इज हाउ I have started the chapter of mathematical methods. We will learn how to describe a vector using geometrical methods, using graphical method, inshallah, in the next lecture. So share and like this video and subscribe to our YouTube channel, Amjad Academy, and enjoy learning physics. But learn this chapter very seriously. It is a must. So thank you. We'll continue the next.